वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आइए बात करेंगे पेपर सेकंड में मानव विकास, मानव विकास की अवस्थाएं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट और उसकी स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। इसमें पढ़ेंगे प्रस्तावना और उद्देश्य क्या है मानव विकास के, मानव विकास की अवस्थाएं क्या हैं, जैसे कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और लास्ट है वृद्धावस्था। तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तावना है, बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। तो बालक का विकास जो है अपने माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, वहीं से प्रारंभ होता है और जन्म के पश्चात यह विकास प्रक्रिया शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तक क्रमशः चलती रहती है। एक एक क्रम में जो है ये उसका विकास, बच्चे का विकास चलता रहता है, पहले शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में। विकास की इन विभिन्न अवस्थाओं में बालक का कई प्रकार से विकास होता है, यथा जैसे कि कहा जा सकता है कि बालक का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और संवेगात्मक विकास होता है। इन सारी अवस्थाओं में बालक का कोई ना कोई विकास होता रहता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव विकास प्रक्रिया जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव का जो विकास होता है वह जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, मतलब उसके होल लाइफ में उसका डेवलपमेंट चलता ही रहता है। फिर है उद्देश्य। तो इस इकाई में हम कुछ उद्देश्य समझेंगे, जैसे कि फर्स्ट है मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर समझ सकेंगे हम लोग, और दूसरा है विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले शारीरिक मानसिक परिवर्तनों को रेखांकित कर सकेंगे। तो इस चैप्टर के थ्रू हम ये जान सकेंगे कि मानव में कौन से शारीरिक और कौन से मानसिक परिवर्तन आते हैं, विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे और मानव के विकासात्मक कार्यों का वर्णन कर सकेंगे। मानव विकास की अवस्थाएं, तो समझते हैं कि मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। मनुष्य के संपूर्ण विकास काल को कई अवस्थाओं में बांटा गया है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भकाल और परिपक्वता के बीच को कई अवस्थाओं में कुछ ऐसी प्रमुख विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न दिखाई देती है। तो इस तरह से जब मानव का पूरा अध्ययन किया गया तो उसमें यह देखा गया कि मनुष्य के विकास की अवस्थाओं को कई तरह से बांटा गया है, जैसे कि उसका विकास गर्भकाल से जो है स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, परिपक्वता के बीच में उसकी इतनी सारी स्टेजेस आ जाती हैं और सब में कुछ न कुछ मुख्य विशेषता होती है, इसलिए हर एक स्टेज को दूसरी स्टेज से अलग रखा गया है। उनकी अलग विभिन्नताएं हैं, उनकी अलग जो है विशेषताएं हैं। विकासात्मक अवस्थाओं को लेकर मनोवैज्ञानिकों के बीच में मतभेद भी रहा है, इसलिए कुछ अवस्थाओं को मृत्यु, गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक के लिए जो है इन विकासात्मक अवस्थाओं को इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। इनका अध्ययन हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो है विकास की कुछ अवस्थाएं हैं और उनमें बताया गया है कि जीवन अवधि उनकी क्या है। तो पहली अवस्था जो है वो गर्भकालीन अवस्था या गर्भावस्था कही जाती है। ये गर्भधान से लेकर जन्म तक होती है, मतलब जब गर्भाधान होता है और जन्म जब बच्चे का हो जाता है उस जो है समय अवधि तक ये अवस्था चलती है। फिर है शिशुकाल या शैशवावस्था जो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक चलती है बच्चे में। फिर बाल्यावस्था है, तो बाल्यावस्था को 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है। पहला है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था पूरी ही 3 साल से 12 साल तक चलती है, पूर्व बाल्यावस्था जो है वो 4 साल से 6 साल तक रहती है, फिर उत्तर बाल्यावस्था 7 साल से 12 साल तक रहती है। इसके बाद किशोरावस्था आती है, तो किशोरावस्था जो है 13 साल से 19 साल तक चलती है, या कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 12 साल से 18 साल तक चलती है। फिर प्रौढ़ावस्था जो है वो 20 साल से 40 साल तक चलती है,
उसके बाद मध्यावस्था आती है जो 41 साल से 60 साल तक चलती है, और लास्ट स्टेज है वृद्धावस्था जो जीवन की अंतिम अवस्था होती है, या जो है 60 साल से प्रारंभ होती है, उसके बाद जब तक इंसान रहता है तब तक यह अवस्था चलती है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले गर्भावस्था के बारे में। जो पहली अवस्था है, यह अवस्था गर्भधान के समय से लेकर जन्म तक की अवस्था है। इस अवस्था में सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि अन्य अवस्था की अपेक्षा इसमें विकास की गति अधिक तीव्र होती है, किंतु जो परिवर्तन इस अवस्था में उत्पन्न होते हैं वे विशेष रूप से शारीरिक होते हैं। समस्त शारीरिक संरचना, भार, आकार में वृद्धि, आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था की घटनाएं हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि गर्भावस्था जो है वो गर्भधान से लेकर जन्म तक बच्चे की रहती है। तो गर्भावस्था में मतलब इस पीरियड में जो भी जो है बच्चे का विकास होता है वह उसकी शारीरिक विकास से रिलेटेड होता है, क्योंकि इसमें उसकी शारीरिक संरचना बनती है, भार होता है बच्चे का, फिर उसके आकार में वृद्धि होती है, आकृतियों का निर्माण होता है। तो जितना भी इसमें डेवलपमेंट होता है, जितना भी बच्चे का विकास होता है वह उसकी शारीरिक गतिविधियों से रिलेटेड होता है, उसके शारीरिक विकास से रिलेटेड होता है। संपूर्ण गर्भकालीन विकास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। गर्भधान से लेकर 2 सप्ताह की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में प्राणी अंडे के आकार का होता है। तो पहली अवस्था वो होती है जिसमें गर्भधान से लेकर 2 सप्ताह की अवस्था होती है, इसमें जो है प्राणी एक अंडे के आकार का होता है, मतलब कि अभी उसमें जो है शारीरिक विकास नहीं हुआ है। इस अंडे में भीतर को कोष्ठ विभाजन की क्रिया होती है, इसमें जो है कोष विभाजन की क्रिया होती है, परंतु ऊपर से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। इसमें जो भी क्रिया होती है वो कोष विभाजन की, वो अंडे के भीतर होती है और ऊपर से इसमें कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। लगभग 1 सप्ताह तक यह अंडाकार जीव गर्भाशय में तैरता रहता है। तो ये जो है 1 सप्ताह तक गर्भाशय में तैरता रहता है, जिसके कारण इसे कोई विकास पोषक आहार नहीं मिलता है, इसको कोई भी पोषक आहार नहीं चाहिए होता है। परंतु 10 दिन बाद यह गर्भाशय की दीवार से सट जाता है और माता के शरीर पर भोजन के लिए आश्रित हो जाता है, और 10 दिन बाद ये जो अंडे की आकार की संरचना रहती है वो गर्भाशय से की दीवार से सट जाती है और अपने भोजन के लिए माता पर आश्रित हो जाती है। 3रे सप्ताह से लेकर 2रे सप्ताह के अंत तक गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था चलती है, अवस्था होती है। तो 3रे सप्ताह से लेकर 2रे महीने तक गर्भकालीन विकास की जो है ये दूसरी स्टेज होती है, दूसरी अवस्था रहती है, जिसको भ्रूणावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में जीव भ्रूण बन जाता है, जो है भ्रूण का रूप ले लेता है। विकास की यह जो है तीव्र अवस्था होती है, इसमें भ्रूण के भीतर अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। शरीर के प्रायः सभी मुख्य अंगों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। तो भ्रूण अवस्था में ही जो है बच्चे के सारे अंगों का विकास होता है। 2रे महीने के अंत तक भ्रूण की लंबाई 1.25 इंच से 2 इंच तक तथा उसका भार लगभग 2 ग्राम हो जाता है। तो 2रे महीने में जो है भ्रूण अवस्था में ही बच्चे की जो लंबाई, भ्रूण की लंबाई जो है वो 1.25 इंच तक हो जाती है, और उसकी जो है भार उसका 1.25 इंच से लेकर 2 इंच तक हो जाता है, और उसका भार 2 ग्राम तक हो जाता है। परंतु भ्रूण का स्वरूप वैसे नहीं होता है जैसा नवजात शिशु का होता है। तो इस तरह से भ्रूण जो है वो नवजात शिशु की तरह नहीं होता है। इस अवस्था में सिर का आकार अन्य अंगों के अनुपात में बहुत बड़ा होता है। तो इसमें जो है भ्रूण अवस्था में सिर का आकार अन्य आकार की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है। इस अवस्था में सिर का आकार अन्य अंगों की तुलना में जैसे ज़्यादा भारी दिखाई देता है, भारी होता है। कान भी सिर के काफ़ी नीचे स्थित होते हैं। तो इसमें जो है कई तरह के जो है परिवर्तन आते हैं।
भ्रूण का निर्माण 3 परतों में होता है, बाहरी परत को एक्टोडर्म, बीच वाली परत को मेसोडर्म और आंतरिक परत को एंडोडर्म कहा जाता है। तो ये जो है 3 परतें होती हैं, इन्हीं 3 परतों से शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। बाहरी परत से त्वचा, नाखून, दांत, बाल और नाड़ी का निर्माण होता है। इसमें से मस्तिष्क का विकास तो बड़ी तेजी से होता है। 4 सप्ताह की अवस्था में मानसिक विकास के विभिन्न भागों को पहचाना जा सकता है। बीच की परत से त्वचा की भीतरी परत तथा मांसपेशियों का निर्माण होता है। इस प्रकार आंतरिक परत से फेफड़े, यकृत, पाचन क्रिया से संबंधित अंग और विभिन्न ग्रंथियां बनती हैं। तो इस तरह से जो है आंतरिक परत से फेफड़े, यकृत और पाचन क्रिया संबंधी अंग जो है निर्माण किए जाते हैं, बनते हैं। इसमें गर्भकालीन विकास की 3 और अंतिम अवस्था गर्भस्थ शिशु की अवस्था कही जाती है। यहाँ 3रे महीने से प्रारंभ जन्म लेने के पूर्व तक की अवस्था होती है। यह अवस्था जो है 3 महीने से लेकर जन्म के पूर्व तक की अवस्था होती है। इस अवस्था को निर्माण की अवस्था नहीं बल्कि विकास की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भ्रूणावस्था में जिन जिन अंगों का निर्माण हो गया रहता है उन्हीं का विकास इस अवस्था में होता है। तो भ्रूणावस्था में जो अंग बन चुके होते हैं उसका विकास जो है गर्भावस्था में होता है। प्रत्येक महीने गर्भस्थ शिशु के आकार और भार में वृद्धि होती रहती है। 5 महीने के बाद भार 1000 और 10 लंबाई जो है 10 इंच हो जाती है। 8वें महीने में शिशु का भार 5 पौंड का हो जाता है और लंबाई उसकी 18 इंच की हो जाती है। इसी तरह धीरे धीरे बच्चे का विकास जो है होता रहता है। जन्म के समय शिशु का भार 7-7.5 पौंड हो जाता है और उसकी लंबाई 20 इंच की हो जाती है। इस अवस्था में हृदय, फेफड़े, नाड़ी मंडल कार्य भी करने लगते हैं। तो इस तरह से जो है उसके बच्चे के सारे पार्ट्स काम करने लगते हैं। यहाँ तक कि यदि 7वें महीने में ही बच्चा पैदा हो जाए तो वह जीवित रह सकने योग्य हो सकता है। तो इस तरह से बच्चे का विकास हो जाता है कि 7वें महीने में भी बच्चे की डिलीवरी होती है। लेकिन ये जो है प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। उसके बाद जो है दूसरी अवस्था है शैशवावस्था, इसके बारे में जानते हैं। तो जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस आयु के बालक को नवजात शिशु के नाम से भी जाना जाता है। तो यह अवस्था तब है जब बच्चे का जन्म हो जाता है और उसकी 3 साल तक की आयु रहती है, तब इसको जो है शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। नवजात शिशु भी इसको कहते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है कि इस अवस्था में बालक के भीतर कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखलाई पड़ता है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा रहता है तो उसमें कोई भी विशेष परिवर्तन हमें नहीं दिखाई देता है। जन्म लेने से बाद जिस नए वातावरण में बालक अपने को पाता है उसे समझने और उसमें अपने आप को समायोजित करना उसके लिए आवश्यक होता है। तो जो बच्चा जैसे भ्रूण में रहता है, फिर उसके बाद अपनी मदर के जो है पेट में रहता है, इस तरह से बच्चे को जब वो बाहर आता है तो उसमें समायोजन बिठाने में, उसे समझने में काफ़ी टाइम लगता है। और ये जो है आवश्यक भी है उसे जो है समायोजन बिठा पाना, सामंजस्य बिठा पाना। अतः इस अवस्था को समायोजन की प्रक्रिया के अतिरिक्त बालक के भीतर किसी विशेष मानसिक और शारीरिक विकास के लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें जो है समायोजन की क्रिया ही चलती रहती है, इसलिए बालक में कोई भी भीतरी या मानसिक या शारीरिक विकास के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं हमें। देन थर्ड स्टेज है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बारे में समझते हैं। तो व्यापक अर्थ में बाल्यावस्था गर्भकाल से परिपक्वता तक के जीवन प्रसार को कहा जाता है। तो गर्भकाल से लेकर परिपक्वता जब बच्चे में आती है उसको हम बाल्यावस्था कहते हैं। परंतु जब हम
विकास की विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा करते हैं तो बाल्यावस्था का प्रयोग अंकुचित अर्थ में ही होता है। तो जब हम अवस्थाओं की चर्चा करते हैं तो उसमें बाल्यावस्था को बहुत छोटे रूप में ही लिया जाता है। उस संदर्भ में बाल्यावस्था अन्य अवस्थाओं की भांति विकास की एक विशेष अवस्था समझी जाती है, जिसमें कुछ प्रमुख मानसिक शारीरिक विशेषताएं और आवर्भूत होती हैं। बाल्यावस्था 4 से 12 साल की अवस्था होती है। निरंतर वातावरण के संपर्क में रहने के कारण इस अवस्था में बालक उससे भली भांति परिचित हो जाता है। तो बाल्यावस्था जो है 3 साल से 12 साल तक चलती है या 4 साल से 12 साल तक चलती है, और इसमें जो है बालक निरंतर उस वातावरण में रहने के कारण उसमें जो है उसके लिए वह हैबिचुअल हो जाता है, उससे परिचित हो जाता है। बालक उस पर यथासंभव नियंत्रण करने लगता है। उसमें रहने के बाद जो है उसका वातावरण में नियंत्रण हो जाता है। वातावरण में अपने को समायोजित करने के लिए वह नित्य प्रयास करता रहता है, और वातावरण के साथ जो है समायोजित होने के लिए वह लगातार अपने प्रयत्नों को जारी रखता है। इस प्रकार का समायोजन स्थापित करना ही बाल्यावस्था की प्रमुख समस्या होती है। तो बाल्यावस्था में बच्चे को कई सारी समस्याएं भी आती हैं। इस प्रक्रिया में उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर कार्य करती है। समूह प्रवृत्ति इस अवस्था की एक दूसरी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो समूह प्रवृत्ति भी इस जो है अवस्था की एक विशेषता है। इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप बालक के भीतर सामाजिक भावनाओं का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो इस यहाँ से जो है बच्चे में सामाजिक विकास की भावना का उद्गम होता है, और घर के भीतर के सीमित वातावरण में ऊब कर वह बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करने लगता है। तो बच्चा जो है या दिखाने लगता है कि वह घर में ऊब रहा है, घर के वातावरण से वो सीमित वातावरण से ऊब रहा है। सामूहिक परिस्थितियों में पढ़कर बालक के अनुकरण खेल सहानुभूति और निर्देश ग्राहकता का विकास होने लगता है। तो यहीं से स्कूल एज भी स्टार्ट हो जाती है बच्चे की। उसकी अधिकांश नैतिकता समूह द्वारा ही नियंत्रित और निर्देशित होती है। वह एक समूह में खेलने लगता है, और उसकी जितनी भी जो है नैतिक विधियाँ गतिविधियाँ होती हैं वो उस समूह के द्वारा ही निर्देशित की जाती हैं और नियंत्रित की जाती हैं। बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व बाल्यावस्था जो 4 साल से 6 साल तक रहती है, उत्तर बाल्यावस्था जो 7 साल से 12 साल तक रहती है। तो पूर्व बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इसे प्राक स्कूल अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। इस अवस्था में बच्चों के महत्वपूर्ण शारीरिक विकास, भाषा विकास, अवगुणात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगिक विकास होते दिखाई देते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इसे पाक टोली अवस्था भी कहा है। इस अवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जैसे कि बाल्यावस्था एक समस्या अवस्था होती है, क्योंकि बच्चा इसमें जो है खुद को ही पहचानता है। इस अवस्था में एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस अवस्था में बच्चे एक विशिष्ट व्यक्तित्व विकसित करते हैं और स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करने पर अधिक बल डालते हैं। तो इसमें बच्चा जानता है कि मैं स्वतंत्र रूप से इस कार्य को करूं, मैं अकेले इस काम को करूं, मेरे मम्मी पापा इस चीज़ के लिए मतलब मेरे साथ ना लगे। इसके अलावा इस उम्र में बच्चे अधिक जिद्दी होते हैं, झक्की होते हैं, विरोधात्मक व्यवहार करते हैं, निषेधात्मक व्यवहार करते हैं और बहका हुआ रहता है बच्चा इसमें। बाल्यावस्था जो है बहुत विकास की सबसे जो है महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इसमें विकास बहुत जल्दी होता है। इसमें जो भी बच्चा देखता है वो बहुत जल्दी कैच करता है, उसे बहुत जल्दी अपना लेता है। इसमें जो है बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है, उसका चाहे शारीरिक विकास हो, संवेगिक विकास हो या उसका जो है मानसिक विकास हो। इसको जो है माता पिता के द्वारा इस अवस्था को समस्या की अवस्था भी कहा गया है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे की अभिरुचि खिलौनों में अधिक होती है। तो यह भी एक जो है विशेषता है पूर्व बाल्यावस्था की,
कि बच्चा खिलौनों से ज़्यादा प्यार करता है। इसमें पूर्व बाल्यावस्था को शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय बताया गया है। तो पूर्व बाल्यावस्था को शिक्षकों ने बताया है कि यह जो है तैयारी का समय होता है। इसमें जो है बच्चे ने स्कूल में दाखिला नहीं लिया होता है, लेकिन वह अपने घर पे अनौपचारिक ढंग से सीख सकता है कि उसे आगे क्या पढ़ना है या कैसे थोड़ा बहुत जानकारी अपने आने वाले स्कूल के लिए ले सकता है। वह अच्छे से अपने माता पिता के बारे से के द्वारा जो है उदाहरण से समझ सकता है वह सारी चीज़ों को। इसके बाद चौथी विशेषता है, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों को उत्सुकता अधिक होती है। बच्चे हर एक चीज़ को ज़्यादा जानना चाहते हैं, उनको मतलब उनकी संकल्पना बहुत तेज होती है। वो निर्जीव चीज़ों में भी सजीवता ढूंढते हैं, उनको इर्द गिर्द की चीज़ों में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, उत्सुकता बहुत ज़्यादा रहती है। तो बच्चे कई तरह के जो है क्वेश्चन करते हैं। इसमें पांचवी विशेषता है, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक तीव्र होती है। तो इसमें जो है बच्चे अनुकरण ज़्यादा करते हैं पूर्व बाल्यावस्था में, वह माता पिता के जैसे व्यवहार करते हैं या अदर कोई फैमिली मेम्बर है उनके जैसे व्यवहार करने लगते हैं, उनकी नकल करने लगते हैं। तो इस तरह से उनमें अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक तीव्र होती है। इसके बाद दूसरी स्टेज है उत्तर बाल्यावस्था। तो इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। उत्तर बाल्यावस्था जो है 7 साल से 10 साल तक चलती है। उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से प्रारंभ होकर बालिकाओं में 10 साल की उम्र तक चलती है और बालकों में जो है 7 साल से प्रारंभ होकर 12 साल तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था को माता पिता शिक्षकों और वैज्ञानिकों द्वारा दिखाई गई विशेषताओं के आधार पर कई तरह के नाम भी दिए गए हैं। जैसे माता पिता ने इस अवस्था को उत्पाद की अवस्था कहा है, क्योंकि अक्सर बच्चे माता पिता की बात ना मानकर अपने साथियों की बात इसमें ज़्यादा मानते हैं। और शिक्षकों ने इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल की अवस्था कहा है, क्योंकि बच्चा अपने अनौपचारिक शिक्षा लेकर स्कूल में आता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसको गिरोह की अवस्था या गैंग एज भी कहा है। तो इस तरह से अलग अलग नामों से उत्तर बाल्यावस्था को जाना जाता है। तो उत्तर बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि पहली विशेषता है माता पिता द्वारा एक उत्पाद या उद्यमी अवस्था इसको माना गया है, क्योंकि इसमें बच्चा जिद बहुत ज़्यादा करता है, अपनी बात पर डटा रहता है। बच्चों में लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति इसमें अधिक होती है कि नहीं अपने बहन या भाई से वो लड़ रहा है, गली गलौचे के बच्चों से लड़ रहा है, तो एक दूसरे पे वो आरोप थोपते रहते हैं। इस तरह से लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति इसमें ज़्यादा होती है। शिक्षकों द्वारा उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल अवस्था बताया गया है कि ये जो है इसमें अनौपचारिक शिक्षा लेकर बच्चा अपने घर से स्कूल की तरफ आता है, तो यह जो है प्रारंभिक स्कूल की अवस्था भी है। देन फोर्थ है कि बच्चा अपनी ही उम्र के साथियों के समूह द्वारा स्वीकृति पाने के लिए काफ़ी ललायित रहता है। तो इसमें जो है बच्चा यह चाहता है कि वह अपनी ही उम्र के बच्चों के साथ में खेले, उनके साथ में खाए पिए, उनके ढंग के कपड़े पहने, इस तरह से वह उनके जैसे ही व्यवहार करना चाहता है। बच्चों में सृजनात्मक क्रियाओं की ओर अधिक झुकाव होता है। इसमें उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की। तो बच्चे जो है सृजनात्मक बहुत ज़्यादा रहते हैं इसमें। अब बात करेंगे किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है लाइफ का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है अवस्था है, और बाल्यावस्था बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के मामले में। किशोरावस्था क्यों इम्पॉर्टेंट है आइए जानते हैं। तो किशोरावस्था बाल्यकाल की अंतिम अवस्था होती है। यह जो है इसमें बालक जो है अपनी बाल्यकाल की अवस्था की अंतिम स्टेज पे होता है। संपूर्ण बाल विकास में इस अवस्था का बहुत ही महत्व समझा जाता है। यह अवस्था प्रायः 13 साल से 19 साल की उम्र तक मानी जाती है। इसमें बच्चे में परिपक्वता प्रारंभ हो जाती है, मैच्योरिटी आने लगती है बच्चे में। इस अवस्था की अनेक विशेषताएं होती हैं, जिनमें से दो ऐसी हैं, जैसे कि इसमें जो है सामाजिक विकास बहुत होता है और कामुकता आती है। इन्हीं से संबंधित अनेक परिवर्तन इस अवस्था में उत्पन्न होने लगते हैं। यह अवस्था कई दृष्टियों से शारीरिक, मानसिक
उथल पुथल से भरी होती है। तो किशोरावस्था जो है बहुत, इसमें जो है तेजी से विकास होता है, इसमें जो है शारीरिक और मानसिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा होती है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उन दोनों में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसे सैसों की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में बाल्यावस्था की स्थिरता और शांति नहीं दिखलाई रहती है। तो इसमें जो है बच्चा बहुत चिंतनपूर्ण रहता है, बहुत उसे स्ट्रेस रहता है और उसे भविष्य की चिंता होने लगती है इस अवस्था में कि उसे क्या करना है, कैसे रहना है। स्वभाव में भावुक होने के कारण किशोर बालक ना तो अपना शारीरिक विकास ना ही मानसिक विकास में समायोजन बिठा पाता है। इसमें जो है शारीरिक और मानसिक विकास में बच्चा जो है भावुक होने के कारण समायोजन नहीं कर पाता है। किशोरावस्था विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण सीढ़ी है। किशोरावस्था का महत्व तो कई दृष्टियों से दिखाई देता है। प्रथम, यह युवावस्था की दृढ़ोड़ी, उसके ऊपर जीवन का समस्त भविष्य आधारित होता है। तो इस अवस्था किशोरावस्था पे ही जो है बच्चे का पूरा भविष्य होता है, उसे पूरे भविष्य की चिंता होने लगती है। यह विकास की चरमा अवस्था होती है और इसमें जो है संवेगात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण इसको माना जाता है इस अवस्था को। इस अवस्था में बालक में अनेकों परिवर्तन होते रहते हैं। विभिन्न विशेषताओं के लिए यह परिपक्वता पर पहुँचता है। इसमें जो है किशोर हो या किशोरी हो, किशोरावस्था के लिए इंग्लिश अंग्रेजी शब्द किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था के बाद पदार्पण करता है। किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में विकास की गति जो है अत्यधिक तीव्र होती है। किशोरावस्था अत्यंत संक्रमण काल की अवधि है। इस अवस्था में किशोर स्वयं को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य अनुभव करता है, जिस कारण वह ना तो बालक होता है और ना ही प्रौढ़ होता है। इसमें बच्चा जो है ऐसे स्टेज पे होता है कि वह ना तो बालक है और ना ही प्रौढ़ है, वो बीच में जो है एक ब्रिज समझिए आप, उस पे खड़ा है। फलतः वह अपने व्यवहार को निश्चित करने में काफ़ी कठिनाई का अनुभव करता है। इसमें बच्चों को अपने व्यवहार को ही निश्चित करने में बहुत कठिनाई आती है। किशोरावस्था में अनेक प्रकार के शारीरिक जो है मानसिक सामाजिक संवेगात्मक व्यवहारिक परिवर्तन दिखाई देते हैं, बच्चे में विकास दिखाई देता है। इन परिवर्तनों के कारण उसके रुचियों और इच्छाओं में भी परिवर्तन आता है। किशोरावस्था में किशोरों में अपने मित्र समूह के प्रति मैत्री भाव का की प्रधानता होती है। तो किशोरावस्था में बच्चे चाहते हैं कि वह अपने फ्रेंड सर्कल में ही रहें, अपने फ्रेंड के जैसे ही कपड़े पहने, अपने फ्रेंड के जैसे ही रहें। वो जो है इसमें बच्चे नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई भी टोका टाकी करे, कोई भी रोक लगाए। इसमें वो स्वतंत्र रहना जो है ज़्यादा महसूस करते हैं। परिवार से थोड़ा इसमें बच्चा अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें वह अपने मित्रों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगता है, उनका महत्व ज़्यादा समझता है। तो किशोरावस्था जो है वो उथल पथल की अवस्था होती है। इसमें बच्चे को टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो है इमोशनल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। तो किशोरावस्था के लिए कुछ विकासात्मक कार्य हैं, जिनमें है, पहला है दोनों यौन के उम्र समान उम्र के साथियों के साथ नया या एक परिपक्व संबंध कायम करता है। तो इसमें जो है बच्चा अपने अपोजिट सेक्स के साथ रहने लगता है, उसके साथ रहना ज़्यादा जो है पसंद करता है। माता पिता तथा अन्य वयस्कों को हट कर एक संवेगिक स्वतंत्रता का कायम करना चाहता है। किसी व्यवसाय का चयन करना चाहता है, वह अपने आप को उसके लिए तैयार करना चाहता है बच्चा। इसमें जीवन की प्रतियोगिताओं के लिए आवश्यक संप्रत्यय और बौद्धिक कौशलताओं को सीखना चाहता है इसमें बच्चा। पारिवारिक जीवन और शादी के लिए अपने आप को तैयार रख करना इसके कार्य हैं। सामाजिक विकास से उत्तरदायी व्यवहार का निर्धारण करना और उसके प्रति जो है भरपूर कोशिश करना। आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहना इस अवस्था के विकासात्मक कार्य हैं।
अब नेक्स्ट स्टेज है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था के बारे में समझते हैं। तो प्रौढ़ावस्था का प्रसार 20 साल से लेकर 40 साल तक होता है। इस अवस्था को नए कर्तव्य और बहुमुखी उत्तरदायित्व की अवस्था भी समझा जाता है। इसको जो है नए कर्तव्य और बहुमुखी उत्तरदायित्व के लिए स्टार्टिंग एज मानी जाती है। व्यक्ति इसी अवस्था में बड़ी बड़ी उपलब्धियों की ओर जो है दत्तचित होता है, परंतु यह तभी संभव हो पाता है जब वह विभिन्न परिस्थितियों के साथ अपने स्वस्थ समायोजन स्थापित कर सके, उसमें सफल रहे। अन्य अवस्थाओं की भांति प्रौढ़ावस्था में भी समायोजन की समस्या उत्पन्न होती है। इसमें भी समायोजन की समस्या आती है। व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों, संबंधियों, वैवाहिक जीवन और व्यवसाय के साथ जो है समायोजन स्थापित करना आवश्यक होता है इसमें, जिससे जो है उसकी लाइफ बहुत इजीली चलती रहे। जिन्हें अपने बाल्यकाल में माँ बाप का अनावश्यक संरक्षण मिला होता है, वे इस अवस्था में जल्दी आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं। तो जिनको अपने माँ बाप से ज़्यादा जो है प्यार मिलता है, वह प्रौढ़ावस्था में जल्दी सक्सेस नहीं हो पाते हैं, जल्दी सफल नहीं हो पाते हैं। फलस्वरूप उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यवहारिक समायोजन ठीक ना होने से प्रायः कुछ समाजों में जो है तलाक की भी घटनाएं होती हैं प्रौढ़ावस्था में। व्यक्ति को अपने व्यवसाय में सफल और संतुष्ट होने के लिए उसकी उपलब्धियों ही नहीं वरन समुचित समायोजन की भी क्षमता उसमें होना आवश्यक होता है। फिर है मध्यावस्था। तो मध्यावस्था जो है 41 साल से लेकर 60 साल तक चलती मानी जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर कुछ विशेष शारीरिक और मानसिक परिवर्तन देखे जाते हैं। मध्यावस्था में प्रारंभ में ही सामान्य स्त्री पुरुषों के भीतर संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो है समाप्त हो जाती है। इसमें जो है स्त्री और पुरुष में संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो है समाप्त हो चुकी होती है। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर हास्य से लक्षण दृष्टि गोचर होने लगते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति की रुचियां भी बदलने लगती हैं। तो जो है मध्यावस्था में धीरे धीरे व्यक्ति की रुचियां बदलने लगती हैं, उनके इंटरेस्ट बदलने लगते हैं। वह पहले से अधिक गंभीर हो जाते हैं, यथार्थवादी हो जाते हैं और धार्मिक निष्ठाओं की तरफ वह बढ़ने लगते हैं, उनकी दृढ़ता आने लगती है। इस अवस्था में एक अन्य कोटि का व्यक्ति सुख शांति प्रतिष्ठा का अधिक इच्छुक हो जाता है। जहाँ तक समायोजन का प्रश्न है, इस अवस्था में पहुँच कर व्यक्ति अपने व्यवसाय से प्रायः संतुष्ट हो जाता है। तो इस अवस्था में जो है व्यक्ति अपने व्यवसाय से संतुष्ट रहता है। सामाजिक संबंधों के प्रति भी उसकी मनोवृत्तियाँ सुदृढ़ हो जाती हैं, परंतु उसे अपने पुत्र पुत्रियों के विचारों, दृष्टिकोणों तथा आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझना जरूरी हो जाता है। तो इसमें आवश्यक है कि व्यक्ति अपने पुत्र पुत्रियों के विचारों को, उनके दृष्टिकोणों को, कि वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, इनको ठीक ढंग से समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से जो है यह मध्यावस्था की बात रही। इसके बाद वृद्धावस्था की बात करेंगे। तो वृद्धावस्था जीवन की अंतिम अवस्था होती है। यह अवस्था 60 साल से प्रारंभ होती है और व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक यह चलती है। शारीरिक और मानसिक शक्तियों का हर्ष इस अवस्था में तीव्र गति से होता है। शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता और प्रतिक्रिया की गति में काफ़ी मंदता आ जाती है। इसमें व्यक्ति पूरी तरह से मतलब अपनी शारीरिक क्षमताओं को खो चुका होता है। शारीरिक परिवर्तनों के साथ ही घोर मानसिक परिवर्तन भी इस अवस्था में दिखाई देते हैं। वृद्ध जनों की रुचियों और मनोवृत्तियों में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है। सामान्यतः बौद्धिक योग्यता, रचनात्मक चिंतन और सीखने की क्षमताएं जो है शिथिल पड़ जाती हैं इसमें, क्योंकि यह वृद्धावस्था है। 60 साल के बाद व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। तो इसमें पूरी तरह से व्यक्ति का जितना भी विकास होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके बौद्धिक विकास खासकर कम होने लगते हैं, शारीरिक विकास तो कम नहीं होंगे, व्यक्ति सिर्फ कमजोर होता है।
तो इस तरह से जो है वृद्धावस्था में व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है, घट जाती है, शारीरिक शक्ति और मानसिक क्षमताओं में मंदता आने लगती है, निम्न स्तरीय और असंतोषजनक स्थितियां आ जाती हैं उनमें। तो वृद्धावस्था में व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा सेवा की ज़रूरत होती है, उनमें जो है अपने कार्य को करने के लिए उन्हें किसी और की सहायता चाहिए होती है, या ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति बहुत अकेला हो जाता है। व्यावसायिक जीवन से अवकाश प्राप्त कर लेने के बाद वृद्ध व्यक्ति ऐसा समझने लगता है कि मानो वह आर्थिक दृष्टि से दूसरों पर निर्भर हो जाता है। तो जो है वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने जो है काम से अवकाश ले चुका होता है, तो उसे लगता है कि जो है वो दूसरों पे आश्रित हो रहा है, निर्भर कर रहा है दूसरों पर, तो उसके जो है बुढ़ापे में उदासीनता भी आने लगती है। परंतु जिन वृद्ध व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जितनी उत्तम होती है और अपने को समाज और परिवार के लिए जितना अधिक उपयोगी समझते हैं, उन्हें उतनी ही अधिक प्रसन्नता और मानसिक संतुष्टि का अनुभव होता है। तो जो व्यक्ति अपने आप को जैसे सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के लिए उत्तम मानता है, वह अपने आप में खुश रहता है और संतुष्ट से जीवन व्यतीत करता है। तो इस तरह से ये सारी अवस्थाएं थी। इसमें जो है बाल्यावस्था और जो है किशोरावस्था बहुत महत्वपूर्ण है। बाल्यावस्था में बहुत तेजी से विकास होता है बच्चे का, और किशोरावस्था जो है यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है स्टेनले हॉल भी इसकी बात करते हैं, यह तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है किसी भी किशोर या किशोरी के लिए। तो इस तरह से ये सारी अवस्थाएं थी ह्यूमन डेवलपमेंट की, मानव विकास की। थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।